हेलो दोस्तों, राम राम। तो आ गई मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। एंजॉय कीजिए। अरे चुन्नू देख, उठ जल्दी उठ, टाइम क्या हो रहा है तुझे तो पता ही नहीं हुई, उठ जा। अरे तू अभी तक इसी में लगी हुई है, कभी पढ़ाई में भी मन लगा लिया कर। ऐसे पढ़ाई तो नहीं करी कभी? ऐसे देख मोली कब की उठ गई। देख मोली, जा रही हूँ अभी। ले बेटा ये टिफिन और पानी की बोतल ले। हाँ लाओ मम्मी, चलो मैं जाती हूँ, बाय बाय। अरे तो फिर इसमें लग गई, कपड़े तो बदल लेती, आते ही फिर मोबाइल में घुस गई। हाँ बदल रही हूँ ना अभी। माँ मैं सो रही हूँ, इतना इंटरेस्टिंग गेम था कि छोड़ने की इच्छा ही नहीं हुई, इसलिए 1 बज गई, नींद आ रही है। माँ मैं सो रही हूँ, गेम खेल रही थी। बहुत गंदी आदत पड़ गई बेटा ये गेम की, ये मोबाइल तो छूटता ही नहीं है हाथों से बच्चों के। जब देखो तो घर में जितना आदमी नहीं ना उससे ज्यादा तो मोबाइल है। कहाँ का मोबाइल ये, कभी कभी गुस्सा आती है तोड़ के फेंक दूँ। मम्मी मेरे लिए चाय बना दो। ले चाय ले और अब पढ़ने बैठ जा, बस अब मोबाइल को हाथ मत लगाना। दिशा का फोन है, मम्मी बात कर लूँ थोड़ी देर। चल ठीक है कर ले, पर ज्यादा देर मत करना है ना, अपने आप रख देना फोन, कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अरे अभी तक मोबाइल ही चला रही है, कितनी देर हुई? 1 घंटा हो गया, मोबाइल में पैसा नहीं लगता क्या? हाँ अच्छा 1 मिनट। हाँ अरे माँ वो पढ़ाई की बात कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे पढ़ाई के बारे में, वो स्कूल में थोड़ा सवाल नहीं हुआ था ना इसलिए बस अभी रख रही हूँ। पढ़ाई की बात, मोबाइल से इतनी इतनी देर तक मोबाइल से बात करेगी तो पैसा कितना लगेगा सोच तो सही। स्कूल का काम स्कूल में खत्म करके आएगा, मैम से पूछो तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो, आपस में डिस्कस करने में लग रहे हैं इतनी देर तक, उसकी मम्मी भी कुछ नहीं कहती शायद। चल दिशा मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे, बाय। मम्मी क्या हुआ? चुनमुन अब तो हद हो गई, बस अब मेरे से सहा नहीं जाता। ये मोबाइल छोड़ एक तरफ रख और पढ़ने बैठ, बस आखिरी बार कह रही हूँ। अरे मम्मी अब बता भी दो ऐसा क्या हो गया जो इतना गुस्सा हो रही हो आप? क्या हुआ ये पूछ, क्या नहीं हुआ? अब तो बैठकर अच्छे से बात होगी, ये कब तक चलेगा रोज रोज ऐसे? तो बेटा मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, कुछ भी कर रहे हो, मोबाइल में बात कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, कभी डिस्कस कर रहे हो पढ़ाई की, कोई ये तुम्हारा वो तरीका है ये पढ़ाई का? ला दे मोबाइल, अभी मोबाइल तुझे नहीं मिलेगा। बस नहीं बस मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए मोबाइल दूंगी तुझे, हैं बस इतनी सी देर, और परीक्षा में तो सिर्फ जरा सी देर के लिए, कोई इमरजेंसी हुई ना तो दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी तुझे। नहीं मम्मी मोबाइल मत लो प्लीज, मम्मी प्लीज मोबाइल मत लो मम्मी। नहीं ये मोबाइल झगड़े की जड़ है, मैंने फैसला कर लिया है ये मोबाइल मेरे पास रहेगा, चाहे तू कुछ भी कर ले ठीक है। अब नहीं करूंगी बहुत देर तक बात। तुझे मोबाइल चाहिए तो ले ले, डिग्री करते मैं तो शादी कर दूंगी, कुछ नहीं बनना है तो मत करो, करो इसमें टाइम पास करो खूब, ये ले। नहीं मम्मी मुझे नहीं करनी इतनी जल्दी शादी, अभी शादी वादी के झंझट में कौन पड़े अभी से ही। मम्मी सही बताऊँ मैं पढ़ना तो चाहती हूँ पर पढ़ नहीं पाती हूँ,
आप ही बताओ मैं क्या करूं। मैं पढ़ने बैठती हूं ना तो मेरी आंखें जलती है और कभी कभी तो आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। क्या कहा? आंखों से आंसू आते हैं और जलन भी होती है। ये सब इस मोबाइल की वजह से ही है। ये मोबाइल है ना, इसको मैं अब ताले में रख दूंगी। बस देख बेटा, इतना पुराना टाइम था ना, तब भी मेरी मम्मी कहती थी एक लड़की के पास डिग्री तो होनी ही चाहिए, कभी भी जरूरत पड़े तो वो अपनी नौकरी कर ले और अपना पेट भर ले। और अभी अभी के टाइम तो इतना कंपटीशन है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। इस मोबाइल की वजह से टाइम खराब होता है, आंखें खराब होती हैं, पैसा भी लगता है इसमें। और सही बात बताऊं, इस मोबाइल की वजह से तुम लोगों के बोलने का ढंग भी एकदम बेकार हो गया है। इसकी वजह से तुम लोग बहुत गंदे तरीके से बोलने लगे, क्योंकि ये नहीं मिलता है तो, और या फिर हम तुम्हारे डिस्टर्ब करते हैं तो तुम लोगों को गुस्सा आता है ना। तू देख, ऐसा कर, सबसे पहले अपना टाइम टेबल बना। देखो मम्मी, मैंने टाइम टेबल बना लिया, इसको यहाँ लगा दूंगी अब, है ना, और फिर मैं इसी के हिसाब से चलूंगी। चलो मम्मी, मैं तैयार हो गई, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, पास तो मैं बहुत आंखें जलती है मेरी। चलो ये मैं रख देती हूँ मोबाइल उसमें ताले में, ठीक है। चलो इसमें मोली, मस्ती मत करना, मिक्कू को परेशान मत करना, है ना। हम आते हैं, बाय बाय। देखा दोस्तों आपने, मोबाइल से कितने सारे नुकसान हैं। तो अपने बच्चे का एक टाइम सेट कीजिए कि 1 घंटा 2 घंटा बस इतना ही मोबाइल देंगे, और उसमें वो गेम खेल ले, अपने दोस्तों से बात कर ले, तो आपको मोबाइल से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं होगी मेरी तरह। ओके, बाय बाय, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय, राम राम।